आज हम बात करने जा रहे हैं हर बड़े ट्रेडर्स की पसंदीदा कैंडल में से एक हैमर कैंडल के बारे में। इस कैंडल को सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल में से एक माना जाता है और अगर आप इस पर सही से ट्रेड लेना सीख गए तो यकीन मानिए आपकी प्रॉफिट टेकिंग एक्यूरेसी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये कैंडल कैसा होता है और कैसे इस पर सही तरीके से ट्रेड लेते हैं। हैमर कैंडल दो टाइप की होती है, एक होती है बुलिश हैमर, एक होती है बेयरिश हैमर। तो आज हम बात करेंगे बुलिश हैमर कैंडल के बारे में। ये ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकती है और इसमें बॉडी बहुत ही छोटी होती है, साथ ही इसका नीचे का विक्स बहुत ही लंबा होता है। इसमें ऊपर की विक्स या तो नहीं होती या बिल्कुल ही छोटी होती है। चलिए मार्केट एग्जांपल में इस पर सही से ट्रेड करना सीखते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मार्केट हल्की सी डाउन ट्रेंड में थी, फिर एक बुलिश हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इस कैंडल के हाई के ब्रेक होती है, आपको अपनी एंट्री नहीं बनानी है। बहुत से बिगनर्स यही गलती करते हैं। आपको एक कैंडल को हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज होने देना है, ये आपका कंफर्मेशन और सिग्नल कैंडल होगा। इसके हाई एंड लो को मार्क कर ले और मार्केट जैसे ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है आपको अपनी एंट्री बनानी है। आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो रहेगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रहेगा और प्रॉफिट एक्यूरेसी के लिए साइडवेज मार्केट में इस कैंडल को अवॉइड करें।